उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के लाख कोशिशों के बाद भी जो शिक्षक हैं वो पहाड़ में चढ़ने को कतरा रहे हैं। उत्तराखंड में हाईकोर्ट के दखल के बाद भी पहाड़ के स्कूल शिक्षकों के लिए तरस रहे हैं। अवस्थापना सुविधाओं से दूर पहाड़ों पर चढ़ने के लिए शिक्षक तैयार नहीं, बमुश्किल पहाड़ों में अगर शिक्षकों का तबादला हो भी जाए तो शिक्षक दुर्गम से सुगम की ओर जाने की कवायद में जुट जाते हैं। ये हाल तब है जब हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है कि जब तक शिक्षकों के पहाड़ में 70% पद नहीं भरे जाते तब तक शिक्षकों का तबादला नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने इस पर रोक भी लगाई है, बावजूद इसके शिक्षक मनचाही जगहों पर तबादला पा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर जब शिक्षक पहाड़ नहीं चढ़ेंगे कैसे पढ़ेगा इंडिया, कैसे बढ़ेगा इंडिया की मुहिम रंग लाएगी। कंपटीशन के इस दौर में अभिभावकों के लिए सबसे बड़ी चिंता अपने नौनिहालों को बेहतर शिक्षा दिलवाना है, लेकिन भागती दौड़ती जिंदगी के बीच शिक्षा ने अब बाजार का रूप ले लिया है। उत्तराखंड राज्य की बात करें तो पहाड़ी राज्य होने के चलते राज्य कई गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। वहीं पहाड़ों में शिक्षकों को चढ़ाना हर सरकार के लिए भी बड़ी सिरदर्दी है। आलम यह है कि राज्य गठन के 20 साल बाद भी पहाड़ों में शिक्षकों का अभाव है। ये हाल तब है जब हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है कि जब तक पहाड़ों में 70% शिक्षकों के पदों को नहीं भरा जाता तब तक तबादलों पर रोक लगाई गई है। हाईकोर्ट ने पर्वतीय जिलों के सभी प्राइमरी, जूनियर हाई स्कूलों, इंटरमीडिएट कॉलेज, डिग्री एवं पीजी कॉलेजों से देहरादून, हरिद्वार, उद्धम सिंह नगर और नैनीताल के स्कूलों में शिक्षकों के तबादले पर रोक लगाई हुई है। इसके बावजूद चहेते शिक्षक जहां मनचाही जगहों पर तबादला एवं संबद्धता पा रहे हैं। इस पर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का कहना है कि राज्य सरकार का पूरा प्रयास है शिक्षक पहाड़ में रुकें। नियम कानून बनाना बहुत आसान है क्योंकि अधिकांश से नियमावली ये कानून ये बन जाते हैं, कागजों तक फाइलों तक सीमित रहते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से आप लोग गवाह हो इस बात के कि हमारी सरकार ने जो भी नियम कानून बनाए हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे खेल हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे PWD हो, पंचायत हो, कोई सा भी विभाग हो, जो कानून बनाया उसका पालन भी हमारी सरकार ने 100% किया है। और यही वजह है कि पिछले जो हमारी गवर्नमेंट जब से 2017 से आई है तब तक, उससे पहले विद्यालय शिक्षा की बात लें जिसका आपने प्रश्न उठाया है, इसमें अधिकांश ट्रांसफर, पोस्टिंग, अटैचमेंट इन्हीं चीज़ों पर सरकार के काम करती थी, विभाग इन्हीं चीज़ों पर काम करता था, लेकिन हमारी सरकार बनने के पश्चात हमने अटैचमेंट को 100% समाप्त किया। और जो हाईकोर्ट का आदेश है उस आदेश जो लोग गए उनको उम्मीद थी कि सरकार कहीं से कहीं तक हमको सहूलियत नहीं देगी, उनको अपने मूल पदों पर जाना ही पड़ेगा, इसी नाते सरकार ने नहीं सुनी और वो कोर्ट में गए। और मैं कोर्ट का, मैं सरकार की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि कोर्ट ने बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता दी और उन्होंने इनकी जो अपील थी उसको खारिज किया और ऐसे लोग अपने मूल पद पर जाएं। और मैं भी उनसे कहना चाहूँगा कि जो हाई कोर्ट का निर्देश उसका पालन करना चाहिए, सरकार इसका पालन करेगी। पिछली सरकारों में विभाग विभागीय कार्यों के बजाय ट्रांसफर के चक्करों में उलझे रहते थे, लेकिन 2017 में हमारी सरकार बनने के बाद ट्रांसफर को लेकर पारदर्शिता से काम किया गया। राज्य के पहाड़ों में हो रहे पलायन का ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अपने नौनिहालों के उज्जवल भविष्य के चलते पहाड़वासी पहाड़ छोड़ने को मजबूर हैं। पहाड़ों में बेहतर शिक्षा न मिलने के चलते स्कूल के स्कूल खाली पड़े हैं। पहाड़ों में स्कूल तो बन गए लेकिन उन स्कूलों में न पढ़ने वाला है न पढ़ाने वाला। साल दर साल पहाड़ों के हाल बेहाल होते गए। इसका फायदा प्राइवेट स्कूल संचालक ले रहे हैं और मनमानी फीस अभिभावकों से वसूल कर रहे हैं, लेकिन मजबूरी के चलते अभिभावक भी अपनी गाढ़ी कमाई निजी स्कूलों की शिक्षा पर खर्च कर रहा है। राज्य गठन के बाद से ही पहाड़ों में अभी तक शिक्षा की स्थिति सुधरी नहीं है। अब इस पे कांग्रेस और BJP में आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी जारी हो गया है। वहीं इस पर आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गया है। BJP का कहना है कि सरकार पूरी तरह से पहाड़ों में बेहतर शिक्षा के प्रयास कर रही है और आने वाले समय में इसका परिणाम भी देखने को मिलेंगे। जानकारी के मुताबिक पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में वर्ष 2016 से 17 में 586 शिक्षकों की कुछ पारिवारिक कठिनाइयों को देखते हुए उन्हें कुछ शर्तों के साथ प्रदेश के सुगम जिलों में लाया गया था, लेकिन इसके बाद कई बार के आदेश के बावजूद ये शिक्षक मूल विद्यालयों के लिए नहीं लौटे। ऐसे हो रहा खेल तबादला एक्ट में गंभीर विवाद और पति पत्नी के आधार के साथ ही भूमि अधिग्रहण व्यवस्थापन पर भी तबादले में छूट की व्यवस्था दी गई है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि भूमि अधिग्रहण पर विस्थापित कर्मचारी का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
लेकिन शासन की ओर से बिना विस्थापित कर्मचारियों को भी धारा 27 में तबादले का लाभ दिया जा रहा है। वहीं इस पर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के राज में किसी विभाग में कार्य नहीं हो रहा, इसलिए शिक्षा का हाल भी बेहाल हो रहा है। पीने का पानी, सारी चीजें चरमराई हुई है और ये त्रिवेंद्र सरकार के बस की बात नहीं है कि उनको ठीक कर ले। शिक्षा भी ठीक नहीं होगी, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं होगा और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके बारे में भी सरकार कुछ कर नहीं पाएगी, क्योंकि सरकार को मालूम है मंदिर मस्जिद की बात करो, हिंदू मुसलमान की बात करो, वोट मिल जाता है, 57 लोग जीत जाते हैं, तो इनको काम करने की ज़रूरत कहाँ है। जनता जब बिना काम किए धर्म की अफीम चाट करके इनको वोट दे देती है तो ये काम क्यों करेंगे। कुल मिलाकर उत्तराखंड राज्य को बने 20 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। नए राज्य की मांग बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, बेहतर अवस्थापना सुविधाओं की वजह से हुई थी, लेकिन समय समय पर पहाड़ वासियों की उम्मीदें टूटती गईं। निश्चित रूप से देखिए, ये उत्तराखंड राज्य का निर्माण ही इसलिए हुआ था कि पर्वतीय क्षेत्र अपने आप को उपेक्षित महसूस करते थे और वहाँ पहले तो ये स्थिति ये थी कि देहरादून से आगे ही कोई ऊपर पहाड़ तक नहीं जाना चाहता था, लेकिन अब धीरे धीरे जो विकास के कार्य हुए हैं उसके कारण से बहुत स्थितियां परिवर्तित हुई हैं। गांव-गांव तक सड़क पहुंच गई है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से हर एक गांव में बिजली पहुंच गई है, बहुत अवस्थापना और सुविधाओं का विकास हुआ है। मुझे लगता है कि हमारे सभी शिक्षक उत्तराखंड आंदोलन के प्रमुख हिस्सा थे, इस नाते हम सबकी सामूहिक जिम्मेवारी भी है कि हम उत्तराखंड के विकास के लिए आगे भी अपनी जो भूमिका है उसका सही तरीके से योगदान उसमें करें और उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए अपना काम करें। और शिक्षक बंधु भी, चिकित्सक बंधु भी और अन्य विभागों के भी जो हमारे कर्मचारी अधिकारी गण हैं वो उत्तराखंड के विकास में अपना योगदान देने के लिए वहां रहें। यही वजह है कि राज्य में पलायन बदस्तूर जारी है, गांव के गांव खाली हो गए हैं जो देश की सीमाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। ऐसे में अगर पहाड़ों से पलायन रोकने और महंगी शिक्षा से छुटकारा चाहिए तो पहाड़ों पर शिक्षकों को चढ़ाना होगा। देखना होगा प्रचंड बहुमत की सरकार में इस ओर कितना काम किया जाता है। कुल मिलाकर उत्तराखंड से अगर पलायन को रोकना है तो त्रिवेंद्र सरकार को यहाँ पे जो शिक्षक हैं उनको मैदानी जिलों से पहाड़ों में चढ़ाना ही पड़ेगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा क्या त्रिवेंद्र सरकार शिक्षकों को पहाड़ में चढ़वा पाती है या नहीं। देहरादून से न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए आशीष नमोला।